युवा और बुजुर्ग दोनों के लिए यह नया अनुभव था। स्टेशन पर मौजूद कुछ ऐसे लोग जहां पुरानी ट्रेनों की बात कर रहे थे, तो वहीं यात्रा की तुलना कर रहे युवा बदलाव का अनुभव कर रहे थे। माहौल इतना उत्साहित और जिज्ञासा से भरा था कि स्टेशन पर तैनात कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की पूछ बढ़ रही थी। कई लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि टिकट कब मिलेगी और टिकट कैसे मिलेगी। जिन्होंने वर्ष 2014 तक नैरो गेज की ट्रेनों में सफ़र किया था, अब उन्हें डेमू और एसी बोगी वाली ट्रेन बहुत रोमांचित कर रहा था। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक ट्रेन जर्नी के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हमारी यात्रा होने जा रही है ट्रेन संख्या अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन यह ट्रेन जयनगर से कुर्था के बीच चल रही डेमो ट्रेन जो भारत और नेपाल को जोड़ती है, इसी की आज यात्रा करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं जयनगर में, जो कि बिहार के मधुबनी ज़िले के अंतर्गत यह स्टेशन जो आखिरी स्टेशन है भारत का। यहाँ से आपको नेपाल के बॉर्डर मिलेंगे, नेपाल से सटे हुए इलाके मिलेंगे, लेकिन आगे इंडियन रेलवे नहीं जाती है। लेकिन आप इंडिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं तो जयनगर से आपको ट्रेन जरूर ही मिल जाएगी। तो फिलहाल हमें नेपाल जाने के लिए इसके आगे और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको नेपाल की टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसका अलग सा रेलवे स्टेशन है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और फुट ओवरब्रिज से हमें उस पार जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वह रेलवे स्टेशन सामने आएगा। और हाँ, आप नेपाल जाना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको नेपाल में नेपाली रुपये के इस्तेमाल के लिए आपको इंडियन करेंसी को नेपाली रुपये में बदलने के लिए कई लोग मौजूद होते हैं इस रेलवे स्टेशन के परिसर में। इसके लिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं जयनगर रेलवे स्टेशन का फुट ओवरब्रिज से नज़ारा, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है जयनगर दरभंगा पैसेंजर, और दूसरी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है गरीब रथ, जो कि जयनगर से आनंद विहार के आज बीच चलेगी, जो कि 12 बजे करीब यहाँ से प्रस्थान करेगी। और तीसरी ट्रेन है वो भी शहीद एक्सप्रेस है, जो जयनगर से अमृतसर यानी पंजाब की यात्रा कराएगी। नेपाल जाने के लिए अलग से रेलवे स्टेशन बनाया गया है, अलग से भवन बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं से आपको नेपाल जाने के लिए टिकट मिलेगी। अगर आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि आपको भारत से नेपाल की सफ़र करने के दौरान आपको कुछ पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। वहाँ पर आपको डिटेल मांगी जाएंगी टिकट लेते समय, और तभी आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ से आप जा सकते हैं उस नेपाली रेलवे स्टेशन की ओर, जयनगर स्वतंत्रता सेनानी। तो हम पहुँच चुके हैं जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से आपको टिकट मिलेगी। और आज दूसरा ही दिन है, क्योंकि कल के दिन भी अत्यधिक भीड़ थी और आज भी कुछ हद तक भीड़ देखेगी, लेकिन अभी फिलहाल समय नहीं हुआ है, और जैसे ही समय होगा कि अभी भी 1 से 1.5 घंटे बचे हुए हैं और आज दूसरा ही दिन है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इस ट्रेन की जरिए हम नेपाल पहुँचे। दूर दूर से लोग भी आते हैं इस नए उत्साह माहौल को देखने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या होगा, हम आपको बता देते हैं। जो आपको नेपाली रेलवे टाइम के अनुसार 8:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी जयनगर से, लेकिन इंडियन रेलवे के मुताबिक 8:15 पर यहाँ से प्रस्थान करेगी, यानी कि 15 मिनट का हेर फेर है। यानी इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो
8:15 ही सोचिएगा, और नेपाल से बिलोंग करते हैं तो 8:30 पर ही सोचिएगा इस ट्रेन का प्रस्थान और आगमन। इतने रेलवे स्टेशन पर पहुंचने तक के भाड़े हैं, और जनकपुर तक का 70 रुपये है नेपाली रुपयों में। तो फिलहाल हम आगमन आपको दिखा देते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ से हम अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। दोस्तों हमें टिकट नहीं मिल पाई है, और टिकट काटने वाले यानी टिकट काउंटर भी 7 बजे के बाद ही खुला है। इस वजह से कई लोग हैं जिसको आधार कार्ड पर मेंशन, एड्रेस, आधार नंबर, इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, इस वजह से लेट हो रहा है। लेकिन टिकट फिलहाल नहीं मिलेगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि ट्रेन में भी आप टिकट ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जयनगर रेलवे स्टेशन से, जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी है ऑन द राइट टाइम 8:15 पर इन इंडियन टाइम। आपको इन नेपाली टाइम 8:30 पर यहां से प्रस्थान कर रही है। और देखिए लोगों में किस तरह का उत्साह है, युवाओं में खास करके जितना उत्साह है उतना बुजुर्ग में नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस रेलखंड पर नैरो गेज वाली ट्रेन में ज़रूर सफ़र किया होगा। इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इनरवा रेलवे स्टेशन, जो कि पहली हॉल्ट है जयनगर से। और यहां पर सामने आप देख सकते हैं कि दूसरी ट्रेन भी है, दूसरी रेक भी है सामने, जो हम आपको टाइम टेबल के अनुसार हम आपको बता दें, पहली ट्रेन 8:15 पर शुरू होती है, तो दूसरी ट्रेन भी 3 बजे के आसपास यहां से प्रस्थान करती है। तो 2 ट्रेन हैं जो जयनगर और कुर्था के बीच चलती है, और कुर्था से भी जयनगर के बीच 2 ट्रेन हैं जो चलती है। खजरी का है ना, मुड़ी का चीज नहीं मिलता है तो खजरी है, खजरी है, खजरी है। Thank you.
करो। पीछे क्या है? अरे आगे का वीडियो पे क्लिक करो। खास बात तो यह है कि जब कि भारत में जहाँ भी हमने यात्रा किया है वहाँ पर आपको एक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जाल ज़रूर से दिखता होगा, लेकिन यहाँ पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जाल नहीं है, जिससे रेलवे ट्रैक काफ़ी खाली सा नज़र आता है। और इस तरह के नज़ारे में भी कुछ बहुत ही मज़ा आता है। माइल 10 पहुंच चुकी है तीसरी हॉल्ट बैदही, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कई लोग तो अपने घर से सिर्फ निकलकर इसलिए आए हैं कि इस ट्रेन को जैसे जैसे यह ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इस ट्रेन को देखने के लिए भी खड़े हो जा रहे हैं। सारे कामों को छोड़ करके इस ट्रेन को ज़रूर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमारे शहर से होकर के रेल फिर एक बार शुरू हो चुका है। जनकपुर धाम, राजा जनक जी के घर। और यहीं तक हमारी यात्रा होगी, क्योंकि हमारी यात्रा सिर्फ और सिर्फ जनकपुर धाम तक ही थी, लेकिन इसके आगे भी यह ट्रेन जाएगी, कुर्था तक जाएगी, लेकिन हम अपनी यात्रा यहीं तक समाप्त करते हैं, जनकपुर धाम तक ही। और यहां से हम चलेंगे जानकी मैया के दर्शन करने। चला चला।
मिथिला नगरिया में आपको पेंटिंग नहीं दिखेंगे मिथिला के, ये हो नहीं सकता है। काफ़ी लोग जो है कि उतरे हैं इस रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि एक कनेक्टिविटी प्रदान हो गई है भारत से नेपाल की, जहां पर आप जनकपुर धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे जानकी मंदिर, और जहाँ तक हमसे पूछेंगे इस सफ़र के बारे में, तो सफ़र कमाल का रहा है, बेहद ही रोमांचकारी रहा है। बाकी आपको यह जर्नी कैसा लगा हो कमेंट करके अवश्य और अभी ही बताइए। मिलते हैं हम आपसे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।